हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ऐसा लग रहा है जैसे कंगना रनौत एक के बाद एक बहुत सारे पंगे अपने आप ही लेती जा रही है। वो एक कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, वो वाली कहावत से दो रही है। अब देखिए, ऋतिक रोशन का ही आपको पता होगा पूरा, इनका एक रिलेशनशिप रूमर्स थे, उसके बाद कंगना ने बहुत तरीके के खुलासे भी किए थे। फिर आपको याद होगा साल 2013-14 में कुछ 100 ईमेल्स ऐसी थी जो ऋतिक रोशन को भेजी गई थी, और ऋतिक की तरफ से ये बयान आया था कि वो कंगना की तरफ से मेल की गई है, जबकि कंगना ने ये कहा था कि उनकी आईडी उस दौरान हैक हो गई थी। और फिर ये ऋतिक को मेल किसने किए हैं मुझे नहीं पता। जो मेल किए गए थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो मेल भी पब्लिक डोमेन में है और आप कहीं भी जाकर उनको गूगल पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के जो मैसेजेस थे, इसके पूरे संदर्भ में और जो आरोप ऋतिक रोशन पर कंगना की तरफ से लगाए जा रहे थे, उनका यह कहना था कि उनकी छवि खराब की जा रही है। इस पूरे मामले को देखते हुए साल 2017 में साइबर क्राइम में ऋतिक रोशन की तरफ से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, और ये जो मेल किए गए हैं इनकी जांच कराने की मांग की गई थी। ये पता लगाने की कोशिश की मांग की जा रही थी कि ये मेल कंगना ने ही किए हैं या फिर वाकई में उस टाइम पीरियड में उनका जो अकाउंट है वो हैक हुआ है। इन सब के बीच अब इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, और वो ये कि ये जो साइबर क्राइम को जो ये पूरा मामला सौंपा गया था जांच के लिए, इसको अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। यानी कि अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस करेगी, और अब जाहिर तौर पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये मेल किसने कब और कैसे किए थे ये सामने आ पाएगा। इन सब के बीच कंगना ने अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ऋतिक रोशन का इस पर फिलहाल अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कंगना की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है, और इस ट्वीट में देखिए किस भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया है और क्या लिखा है। उसकी कहानी फिर से शुरू हो गई, हमारे ब्रेकअप और उसके डिवोर्स को कितने साल हो चुके हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है, किसी भी महिला को डेट करने से मना करता है। बस जैसे ही मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ उम्मीद पाने के लिए साहस जुटाती हूँ तो वो फिर से वही नाटक शुरू कर देता है। ऋतिक रोशन कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए। तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, जाहिर तौर पर कंगना ने सीधे सीधे ऋतिक रोशन को चुनौती तो दे ही दी है, और सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा दिया है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उस दौरान ये खबर निकलकर सामने आई थी कि कंगना ने सुशांत के साथ एक फिल्म करने से मना किया था। अब एक तरफ कंगना सुशांत के लिए लड़ रही थी और दूसरी तरफ इस तरह की खबरें आई थी, तो उस पर भी कंगना ने यही रिएक्शन देते हुए फिर से ऋतिक रोशन को घसीटा था और कहा था कि मैं फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने के लिए जा ही रही थी कि अचानक मेरे पास ऋतिक रोशन की तरफ से भेजा गया नोटिस आ गया था, और उस नोटिस से मैं इतनी पजल्ड हो गई थी कि मैं एट जो मोमेंट थी वो उसमें मैं हाँ नहीं कर पाई थी उस फिल्म के लिए। तो कुल मिलाकर मुद्दा कोई भी हो, मामला कोई भी हो, कंगना ऋतिक रोशन को बीच में घसीटना नहीं छोड़ती है, और यही वजह है कि देखिए पूरा मामला साइबर क्राइम के पास था और ऋतिक रोशन के वकील की तरफ से ये एफर्ट्स किए गए कि मामला क्राइम ब्रांच तक जाए। क्राइम ब्रांच तक ये मामला पहुंचा और कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को डायरेक्ट वन ऑन वन एक तरीके से उन्होंने टारगेट कर लिया है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर ऋतिक का क्या रिएक्शन होगा, या फिर सोशल मीडिया पर अब स्टार्स इस पूरे बवाल को कैसे देखेंगे, यूजर्स कैसे देखेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है।